Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कमीशंस दिस इज माई लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक आयोग हैं संवैधानिक आयोग के क्या कार्य हैं सख्तियाँ क्या हैं और जो महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष करके मैंने तीन आयोगों की भूमिका जो प्रमुख रूप से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्वाचन आयोग है केंद्रीय और राज्य स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग के लिए संघ लोक सेवा आयोग की क्या पावर्स हैं और तीसरा यह है उसमें भाषा आयोग जो ऑफिस जो कमीशन राष्ट्र आयोग की स्थापना तो इस तीन प्रकार के जो आयोग हैं पहला जैसा कि मैंने बताया निर्वाचन आयोग दूसरा है भाषा आयोग और तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग आप स्क्रीन पर देखें भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है भाषा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में की गई है और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात संविधान के अनुच्छेद तीन सौ में की गई है अब ये निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है क्या पावर्स इसके हैं भाषा आयोग का पावर्स क्या है कौन इसको अपॉइंट करता है नियुक्त करता है उसके कितने मेंबर सदस्य होते हैं और तीसरा जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है यह विशेषकर आप सभी के लिए आवश्यक है यह जानना कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप देने परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर संरचना क्या है संघ लोक सेवा आयोग जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन कौन होगा कितने सदस्य होंगे उनका टेन्योर क्या है उनके पावर्स क्या हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये सारी बातें इस व्याख्यान के अंतर्गत बताने का प्रयास किया जाएगा कवर करने का प्रयास किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय ने इस आयोगों की भूमिका को और कैसे वृहद किया है बढ़ाया है निर्वाचन आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या भाषा आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से और बल कैसे प्रदान किया गया है कैसे इसको मजबूती प्रदान की गई है इसकी भी चर्चा इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे तो अब एक एक करके इसको आप देखें इस स्क्रीन पर सबसे पहले मैंने लिखा है निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के सुचारू निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक प्रावधानित किया गया है निर्वाचन आयोग में कौन से सदस्य होंगे आप देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार 324 के अनुसार भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिस केंद्रीय निर्वाचन आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा तो दो अन्य सदस्य होंगे जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी इनका प्रमुख कार्य लोकसभा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए दिशा निर्देश जारी करना और पाँच वर्ष के भीतर कार्यकाल पूर्ण होने के भीतर इनके निर्वाचन को लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन संपन्न कराना और विधानसभा और लोकसभा को निर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपना जिससे कि सदस्य अपनी शपथ को ग्रहण कर सकें तो यह निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय है जैसा कि मैंने आपको बताया एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो अन्य निर्वाचन सदस्य ये पहले ऐसा नहीं था पहले एक सदस्य था चूँकि आपको मालूम होगा टी एन सेसन भारत ऐसे आ, के ऐसे निर्वाच मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा जिन्होंने अपने निर्वाचन आयोग की भूमिका को भारत में पहली बार स्थापित किया कि निर्वाचन आयोग भी भारत में कुछ कोई एक संस्था है और निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को एक संस्था के रूप में जितना योगदान टी एन सेसन के द्वारा दिया गया है शायद मुझे ऐसा नहीं लगता आप भी पत्र के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से आप जान पाएंगे कि टी सेशन जैसा निर्वाचन आयुक्त भारत में आना यह एक लोकतंत्र के लिए एक मिसाल है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग के पद को जस्टिफाई कर दिया कि निर्वाचन आयुक्त संस्था है और वह भी अपने कार्य उसके भी पास कुछ पावर हैं आप उसी वर्ष निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यी बनाया गया कि ऐसा तो नहीं कि टीएन सेशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उस को और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मैं निर्वाचन आयोग को लग हम लोग निर्वाचन आयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए इसमें दो अन्य सदस्यों को बढ़ा रहे हैं जिससे कि बहुमत से कोई निर्णय लिया जाएगा एक व्यक्ति का निर्णय तो इसलिए यह बहु हो गया एक निर्वाचन आयोग अध्यक्ष हो गया एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और दूसरे दो अन्य चुनाव आयुक्त तो इसमें नियुक्त किए जाएंगे मैंने आप देखे स्लाइड पर मैंने लिखा है कि इनका प्रमुख कार्य क्या होगा संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए नामावली तैयार करना ये नॉमिनल रोल तैयार करते हैं जिसको हम साधारण भाषा में कहें कि संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रल रोल तैयार करना दूसरा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधीक्षण और नियम सुपरवाइज करना और उसको रेगुलेट करना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अद्यप की अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है परंतु उस निर्वाचन में भी निर्वाचन आयोग की भूमिका प्रमुख होती है संसद सदस्यों की राज्य विधानमंडल सदस्यों की अनहर्ता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना और किसी स्थान के चुनाव को रद्द भी कर सकता है ये निर्वाचन आयोग का कार्य है प्रमुख कार्य है अब आप देखें मैंने जैसा कि आपको बताया कि संसद सदस्यों की या राज्य के विधानसभा सदस्यों की निर्हरता से संबंधित कोई प्रश्न अगर उत्पन्न होगा कि लोकसभा का सदस्य अपने जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी तरीके से वह 25 वर्ष दिखाते हुए जबकि वास्तव में 25 वर्ष नहीं था लोकसभा निर्वाचित होने के लिए और उसने अपनी आयु को या किसी भी ऐसे दस्तावेज को जो दस्तावेज अगर मैनुपलेशन है या मिथ्या साक्ष देता है निर्वाचन आयुक्त के सम निर्वाचन आयोग के समक्ष तो लोकसभा का सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य के डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो ऐसे प्रश्न का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के सदस्य अगर डिस्क्वालीफाई हैं बाद में पता चलता है कि निर्वाचित हो जाते हैं और बाद में पता चलता है लोक निर्वाचन आयोग को कि इसमें इसने बर्थ सर्टिफिकेट गलत लगाया था तो ऐसी आधार पर निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य के ऐसे सदस्य को जो गलत आधारों पर निर्वाचित हुआ है उसको डिसक्वालीफाई घोषित कर सकता है तो मैंने ये ऐसा मामला है ये भी ये संविधान के आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो निर्वाचन आयोग से ही अपने को कन्फाइन करना है लेकिन ये भी साथ साथ जान जान सोचना कि संविधान के किस प्रावधान के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देता है और भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा ये कहाँ पर लिखा हुआ है तो ये लिखा है संविधान के आर्टिकल एक सौ के अंतर्गत और सामान्यतः आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श पर कार्य करता है परंतु जो सब प्रावधान आर्टिकल सौ में है वह संसद सदस्यों की निरढ़ता संबंधी प्रावधान मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है तो ये बात याद रखना है कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि संसद सदस्य के निर्हरता संबंधी प्रश्नों का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा उपरोक्त दो तीसरा विकल्प होगा उपरोक्त में से दोनों सत्य हैं चौथा विकल्प होगा उपरोक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है तो ये बात आपको भली भांत मालूम होनी चाहिए कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय इस पर लिया जाता है यदि राज्य की विधानसभा के सदस्य का कोई निर्भरता संबंधी डिस्कवालिफाई डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न का उदाहरण सदैव राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श के आधार पर किया जाएगा आप इस भी, इस चीज़ को भी देखें वैसे सामान्यतः राज्यपाल भी राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है परंतु यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद पर नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के परामर्श पर निर्णय राज्यपाल लेता है तो ये बातें हो गई कि निर्वाचन आयोग अब सबसे इम्पोर्टेंट जो और इसके अलावा हैं कि किसी भी स्थान के निर्वाचन को अगर निर्वाचन के पश्चात ये पाया गया कि वहाँ पे बैलेट बाग्स की लूट खरोश हुई है वहाँ का निर्वाचन अधिकारी अगर कोई रिपोर्ट करता निर्वाचन आयोग को कि संबंधित विधानसभा के चुनाव में या संबंधित किसी लोकसभा के चुनाव में किसी बूथ पर बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया गया है या माल प्रैक्टिस हुई है यह निर्वाचन आयोग को सूचना दी जाती है तो निर्वाचन आयोग उस किसी भी स्थान के लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकता है रद्द कर सकता है और पुनः निर्वाचन की तिथि निर्धारित करके वहाँ पे चुनाव की चुनाव करा सकता है तो चुनाव का कैंसिल किया जाना यदि निर्वाचन आयोग को प्रतीत होता है कि वहाँ पर माल प्रैक्टिस हुई है तो ये भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है दूसरा जहाँ पर किसी राजनीतिक दल में विभाजन हो जाता है और राजनीतिक दल में विभाजन होने पर एक ही चुनाव चिन्ह की मांग दो राजनीतिक दल करने लगते हैं उदाहरण के तौर पर आप देखे होंगे बिहार राज्य में जब जनता दल का बंटवारा हुआ तो जनता दल यू एक का क्लेम करने लगे शरद यादव के द्वारा और एक राष्ट्रीय जनता दल हो गया लालू यादव जिसका नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल आर अब ये लोग चुनाव चिन्ह की मांग किए अब मेरा ही एक चुनाव चिन्ह तो ऐसी स्थिति में जो सिंबल का जो चुनाव चिन्ह का विवाद होता है वो भी निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करता है कि किसको कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित होगा तो ऐसी स्थिति में चुनाव चिन्ह के चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद का निस्तारण भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है दूसरा भी आपने देखा होगा बिहार में ही लोक जनशक्ति पार्टी जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र के द्वारा यह क्लेम किया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तराधिकारी वही हैं परंतु लोक जनशक्ति पार्टी के में विभाजन हो गया और उसमें विघटन के पश्चात उसका नेतृत्व जो है उनके भाई करने लगे और पुत्र ने उसकी जब मांग की तो लोक जनशक्ति पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ जिसका निस्तारण लोग जिसका निस्तारण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और किया गया कि इनको यह सिंबल मिलेगा पहले वाला जो सिंबल मिलेगा वह उस वर्ग को मिलेगा व्यक्ति को मिलेगा जिसके साथ ज़्यादा विधायक हैं जिसका प्रतिनिधि ज़्यादा है जिसके साथ लोग हैं ये सारा काम ये सारे तथ्य का निर्धारण जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है तो मैंने आपको बताया कि चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है अब आते हैं स्क्रीन पर ही देखें आप कि यह बहुसदस्य कब हुआ निर्वाचन आयोग मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है टी एन सेशन वह न है यहाँ पर टीएन सेशन टीएन सेशन बनाम भारत संघ ए आई आर उन्नीस सौ पंचानवे सुप्रीम कोर्ट के विवाद में वर्ष उन्नीस में स्क्रीन पर आप देखें 1993 में राष्ट्रपति ने आर्डिनेंस के माध्यम से चुनाव आयोग को बहुसदस्य बना दिया था कि इसमें दो अन्य सदस्य भी होंगे तो उसको इस आधार पर चुनौती दी गई कि क्या भारत सरकार को ऐसा पावर है राष्ट्रपति को कि अध्यादेश के माध्यम से चुनाव आयोग जैसी संस्था में सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है कि लिए कानून की आवश्यकता होगी परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाने के निर्णय सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया और तभी से चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हो गया एक चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त दो अन्य सदस्य उसके अंतर्गत अभी भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो ये विवाद जिस रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया अब यह स्थिति तो हो गई निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्रमुख कार्य चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुनाव का रद्द किया जाना हो एक चुनाव आयोग नोटिफिकेशन भी जारी करता है चुनाव के दौरान जिससे कि नोटिफिकेशन में चुनाव आयोग को यह पावर है कि लोकसभा के चुनाव में या राज्य की विधानसभा के चुनाव में जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफ़र होंगे वह सब निर्वाचन आयोग की पुर्वन्नति के बिना नहीं हो सकता है जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है चुनाव आयोग के द्वारा वैसे ही आचार संहिता लागू होने के पश्चात कोई भी निर्णय जिससे किसी सरकार विशेष को फ़ायदा हो सकता है आगामी चुनाव में तो उस पर भी एक प्रकार से प्रतिबंध लग जाता है आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो गई तो कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते हैं और नीतिगत फैसलों के अंतर्गत ट्रांसफ़र पॉलिसी भी स्थानांतरण भी आता है आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा भी ट्रांसफर उस समय जितने भी आई आईपीएस होते हैं उनके ट्रांसफ़र जो है वह निर्वाचन आयोग को अगर शिकायत किसी ने कर दिया कि संबंधित जो है ज़िले के डीएम को हटाया जाए एसपी को हटाया जाए और निर्वाचन आयोग संतुष्ट हो गया कि यहाँ पर वह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं उनका रहना या सर या किसी दल से उनका झुकाव ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर स्वयं करता है तो ये सारे पावर चुनाव आयोग के पास हैं इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग के पास वे कोई भी यथोचित कदम उठा सकता है जो निष्पक्ष चुनाव को या चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक हों यह संविधान में ही संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत संविधान ने ही निर्वाचन आयोग को दे रखा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी अब एक राज्य की विधानसभा ने हरियाणा राज्य की विधानसभा ने एक कानून बनाया कि जो यहाँ पर चुनाव होंगे स्थानीय चुनाव होंगे उस स्थानीय चुनाव में तभी किसी व्यक्ति को वह चुनाव लड़ सकता है जब उस उसके पास दो ही बच्चे हों दो से अधिक बच्चों बच्चे जिस किसी भी उम्मीदवार के पास होंगे वह उम्मीदवार चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव में कैंडिडेट नहीं बन सकता है ये कानून बन गया राज्य विधान हरियाणा राज्य की विधानसभा के द्वारा अब चूंकि विधानसभा ने कानून जो बनाया उसका तर्क दिया कि चूंकि देश की बढ़ती हुई आबादी को कम करने का तरीका यह है कि दो चाइल्ड पॉलिसी लागू किया जाए दो बच्चे ही अच्छे दो बच्चों की पॉलिसी को लागू करने के लिए हरियाणा राज्य ने यह घोषित कर दिया कि पहले हम जनप्रतिनिधि से ही लागू करते हैं एक संदेश देने का प्रयास होगा कि जनता भी इसे तो विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून से हरियाणा राज्य की विधानसभा ने कानून बनाया कि स्थानीय चुनाव में कोई भी जनप्रतिनिधि तब तक उम्मीदवार नहीं होगा जब तक वह हलफनामा शपथ पत्र में या दाखिल न कर दे कि उसके पास दो ही पुत्र हैं दो ही बच्चे हैं अर्थात आप ये देखेंगे शपथ पत्र में कर दिया जाएगा सूचना को देने के लिए तो एफिडेविट में भ्रामक सूचना या मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में प्राधिकारी को आपराधिक कार्रवाई में आपराधिक कार्रवाई करने का आधार बन सकता है जो कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकारी को मिथ्या साक्ष्य देता है या भ्रामक साक्ष्य देता है वह एक अपराध करता है अपराधिक विधि के अंतर्गत इसलिए यदि कोई भी निर्वाचित यदि कोई भी प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने जा रहा है यदि चुनाव अधिकारी को उसके पास अगर दो से अधिक बच्चे हैं और शपथ पत्र में कहता है कि नहीं दो ही बच्चे हैं तो उसका न केवल निर्वाचन अगर चुनाव जीत जाता है तो न केवल उसका निर्वाचन रद्द होगा निर्वाचन रद्द होगा बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी कर दी जाएगी मिथ्या साक्ष देने के आरोप में गलत साक्ष देने के आरोप में तो इस इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य की विधानसभा ने एक कानून बनाया कि दो बच्चों की पॉलिसी रखी जाए और उन्हीं को उम्मीदवार घोषित किया जाए वही चुनाव लड़ें जो दो बच्चों की जिसके पास दो बच्चे हैं एक स्क्रीन पर आप देखें एक केस इसको चुनौती दे दिया गया जावेद याचिकाकर्ता के द्वारा जावेद बनाम हरियाणा राज्य ए आई आर टू थाउजेंड थ्री सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई विधानसभा के उस कानून को कि इसमें व्यक्ति के चुनाव लड़ने के अधिकार को यह बाधित किया जा रहा है और चुनाव का अधिकार जो है मूल अधिकार है इस आधार पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया कि उस कानून को रद्द कर दिया जाए जो कानून किसी भी व्यक्ति को चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता हो तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस कानून को संवैधानिक ठहराते हुए यह निर्णय किया गया कि चुनाव का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है यह संविधान के अंतर्गत जो राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इन इलेक्ट्रल प्रोसेस चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का जो राइट है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है यह संविधिक अधिकार है इसको कानून बना करके संसद या राज्य विधानसभा कानून बना करके इसको रेगुलेट कर सकती हैं क्योंकि विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य में तार्किक संबंध था जो लॉजिकल रेजनेबल क्लासिफिकेशन था इसलिए उस विधायन को संवैधानिक ठहराया जाता है और ऐसा प्रत्याशी जो इसकी वैधानिकता को संवैधानिकता को चुनौती दिया है कि दो से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति संबंधित राज्य में चुनाव नहीं लड़ सकता है यह याचिका खारिज की जाती है और कानून संवैधानिक है तो एक बात क्लियर हो गई कि मात्र इस आधार पर किसी कानून को चुनौती देना कि यह कानून इस आधार पर विभेद करता, करता है डिस्क्रिमिनेशन कि करता है कि किसी के पास दो से अधिक बच्चे हैं या दो से कम के दो, दो बच्चे हैं यह संवैधानिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अगर कोई राज्य विधानसभा ऐसा कदम उठाती है तो प्रशंसनीय है सराहनीय है यह चुनाव प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के अधिकार से नहीं रोकती बल्कि इसका प्रयास जो यह है कि राष्ट्र को विकास राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना और जनसंख्या के भार को अधि उसके बर्डन मतलब जो उसका जनसंख्या का अधिक्य है वह उसको कम किया जा सके यह कानून का उद्देश्य है तो इसलिए इस केस में भी आपने देखा दो मैंने आपको केस बताया टीएन सेशन के केस जावेद बनाम हरियाणा राज्य की केस ये दोनों महत्वपूर्ण केस हैं इस पर अब आते हैं स्क्रीन पर आप देखें किसी राज्य की विधानसभा यदि भंग कर दी जाए मैंने ऊपर लिखा हुआ है इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस टू थाउजेंड टू ए आई आर टू थाउजेंड थ्री सुप्रीम कोर्ट इनरी मैंने लगाया हुआ है जैसा कि मैं अपने पहले के व्याख्यान में बताया हूँ जब राष्ट्रपति किसी भी मामले पर जिस पर विधि स्पष्ट न हो यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है संविधान के आर्टिकल वन फोर्टी थ्री के अंतर्गत कि किसी विधि किसी भी विषय पर जो उसके संज्ञान में लाया गया है राष्ट्रपति के समक्ष लाया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा यदि उस विषय पर कोई विधि स्पष्ट नहीं है तो ऐसे मामले को ऐसे केस को भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को विधिक राय के लिए भेज सकता है संविधान के आर्टिकल वन फोर्टी थ्री के अंतर्गत चूँकि गुजरात राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया था और गुजरात राज्य की विधानसभा को भंग कर करने के पश्चात उसी दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी कि अब राज्य में निर्वाचन निर्वाचन कराया जा सकता है अब इसमें आप देखें स्क्रीन पर कि संविधान के आर्टिकल लिखा हुआ है कि वन के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा मामले को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करना इसीलिए लिखा हुआ है इंदरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस इलेक्शन क्या इसमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे सुप्रीम कोर्ट के समझ कि क्या अनुच्छेद 174 या वन 324 के अधीन ये जो 174 है जिसमें राज्यसभा को व्यक्तित करने की पावर अगर दी गई है क्या अनुच्छेद तीन के अधीन है निर्वाचन आयोग के अधीन है क्या दूसरा प्रश्न यह था कि क्या निर्वाचन आयोग आर्टिकल 174 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है क्योंकि यह मामला संविधान के निर्वाचन से संबंधित था जुड़ा हुआ प्रश्न था तो इसलिए इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निर्णित किया आर्टिकल वन सेवेंटी फोर के जो प्रावधान हैं वह एक विघटित विधानसभा पर लागू नहीं होते जिस विधानसभा को डिजॉल्व कर दिया गया है उस पर वन सेवेंटी फोर के प्रावधान लागू नहीं होते और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद वन सेवेंटी फोर से स्वतंत्र निर्णय ले सकता है परंतु ऐसे निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ये कहा गया कि राष्ट्रपति विघटित विधानसभा जो निर्वाचन आयोग है वन सेवेंटी फोर से शासित नहीं होता बाध्य नहीं है 174 के अतिरिक्त तो वह निर्णय ले सकता है परंतु उसका निर्णय भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के उस फैसले की जांच कर सकता है न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फैसला लिया गया चुनाव कराने या न कराने का विधानसभा की अवधि को बढ़ाने का सॉरी पुनः निर्वाचन कराने का क्या वह निर्वाचन आयोग का वह फैसला कि किसी संबंधित राज्य की विधानसभा का निर्वाचन होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस निर्णय का न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है यदि महिला फाइट ग्राउंड पर है दुर्भावना से प्रेरित है तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अब इसके पश्चात आप देखें एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो निर्वाचन आयोग से संबंधित मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है यह है कि संसद द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम नाइन्टीन फी जो मतदान मतदाता का अपने जनप्रतिनिधि के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार निर्वाचन भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को और सुचारू सफल बनाने के लिए पहला प्रयास आप ये देखें वर्ष 2003 के, के केस के माप्त साथ ही हुआ है इसमें क्या हुआ कि मैंने स्क्रीन पर आपको देखिए लिखा हुआ है कि संसद द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस की धारा तैंतीस में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया इसमें आर्टिकल उन्नीस एक क का, का उल्लंघन होता है इस आधार पर संविधान उस संशोधन को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया अब इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा तरफ मैंने लिखा हुआ दूसरी तरफ कि यूनियन ऑफ केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ए एफ डी आर ए आई आर टू थाउजेंड थ्री सुप्रीम कोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया जब सरकार से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पूछा गया कि क्या ऐसा कोई प्रावधान भारत में कोई ऐसा कानून है जिस कानून के तहत मतदाता को अधिकार दिया गया हो कि वह अपने प्रतिनिधि के विषय में अपने जनप्रतिनिधि के विषय में जिसको वह निर्वाचित करने जा रहा है क्या उसके आपराधिक पृष्ठभूमि को क्या उसके शैक्षणिक पृष्ठभूमि को वह जान सकता है ऐसा कोई कानून है तो सरकार की तरफ से यह प्रश्न यह उत्तर दिया गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि को यह विवश करता हो कि चुनाव प्रक्रिया में जाते समय वह शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी को सभी अपने से संबंधित सभी सूचना को डिस्क्लोज करें कि वह वह स्नातक है या स्नातक नहीं है उसके पास अर्थ के क्या स्रोत हैं उसके पास क्या देनदारियाँ हैं क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है आपराधिक चरित्र उसका कैसा है इस प्रकार की जानकारी देने की बाध्यता किसी भी जनप्रतिनिधि को कानून के अंतर्गत नहीं है मात्र यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जो जो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने जा रहा है यदि उस को किसी न्यायालय के द्वारा दो सिद्ध किया गया है दो से अधिक वर्ष के कारावास में इसको दो सिद्धि हुई है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति निर्वाचन नहीं लड़ सकता है निर्वाचित नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में एक गैर सरकारी संस्था जिसका नाम एन है ए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यह एन है गैर सरकारी संस्था है अब इसके द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें यह कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया में जो मतदाता है वोटर है उसका संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक क जो संविधान के आर्टिकल 19 ओ ने जो व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी प्रदान करती है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो संविधान की जो आर्टिकल उन्नीस एक क है वह भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है कोई भी व्यक्ति कोई भी भारत का नागरिक अपने बातों को सरकार के समक्ष रख सकता है अपने विचारों को प्रकाशित कर सकता है लेख के माध्यम से प्रकाशन के माध्यम से मीडिया के माध्यम से यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल उन्नीस एक के क के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और जब कोई भी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए जाता है वोट देने के लिए जाता है तो वोट देते समय वह अपने प्रतिनिधि के अच्छे और बुरे या अपने प्रतिनिधि के विषय में वह उसका प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है शिक्षित है अपराधी प्रवृत्ति का है या उसके पास कितनी फाइनेंशियल असेट्स हैं उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं ये यदि जानकारी उपलब्ध होगी तो वह अपने जो अभिव्यक्त है और जो राइट टू वोट है एट द टाइम ऑफ कास्टिंग हिज वोट वह अपने वह अभिव्यक्त करता है और उसकी अभिव्यक्ति जो है जो मतदान करता है तो वह अपने विचार को मतदान के माध्यम से उस प्रतिनिधि के जन प्रतिनिधि के पक्ष में अभिव्यक्त करता है और वह बेस्ट कैंडिडेट चुनता है कि यह मेरे उस मतदाता की नज़र में यह जन प्रतिनिधि जन को वोट मतदान इसलिए कर रहा है अपनी अभिव्यक्ति इसलिए कर रहा है अंदर की इच्छा को अभिव्यक्ति इसलिए कर रहा है मतदा मतदाता जनप्रतिनिधि के पक्ष में कि उसका जनप्रतिनिधि जो है उसकी नज़र में स्नातक है पढ़ा लिखा है वह सदाचारी व्यक्ति है अपराधी नहीं है तो यह जानकारी भारत के प्रत्येक मतदाता को होनी चाहिए अब इन बातों को लेकर के ए नाम की एक संस्था जिसका फुल फॉर्म है एफ डी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसने निर्वाचन आयोग से सिफारिश की कि चूंकि निर्वाचन आयोग पूरे देश में निर्वाचन के लिए केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर निर्वाचन संपन्न कराने के लिए संस्था है तो निर्वाचन आयोग एक नोटिफिकेशन जारी कर दे जिस अधिसूचना के माध्यम से ये तीन सूचनाएं किसी भी जनप्रतिनिधि को निर्वाचन के दौरान अपने शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी को देने के बाध्यता उस पर अधिरोपित कर दी जाए परंतु ये जानकर आपको आश्चर्य होगा भारत सरकार की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकार के जो प्रयास हैं कि मतदाता को ये जानने का अधिकार होना चाहिए या जनप्रतिनिधि को इन विषयों को डिस्क्लोज करने का जो बाध्यता कर दिया जाए इससे किसी हम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी और इससे कोई भी हम किसी भी प्रकार से लोकतंत्र को सुदृढ़ नहीं कर सकते हमारे पास खुद ही जनप्रतिनिधि कानून है कोई भी अपराधी को चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा चुनाव वह नहीं लड़ सकता अगर वह दोषिद्ध है तो तो जब दोषी यह प्रावधान ऑलरेडी कानून में है जनप्रतिनिधि अधिनियम में है तो इसके अतिरिक्त कोई मतदाता को यह राइट देना इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है परंतु जब ये मामला आप ये देखें जब ये मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया तो सुप्रीम कोर्ट को यह अवसर प्राप्त हुआ इसमें यह निर्णित करने के लिए तीन प्रश्न महत्वपूर्ण थे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस केस में पहला ये कि क्या मतदाता का संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक क के, के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह जानने का अधिकार है कि उसका जनप्रतिनिधि का जनप्रतिनिधि का आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है जनप्रतिनिधि की दूसरा प्रश्न कि जनप्रतिनिधि की शैक्षणिक जन योग्यता क्या है या जनप्रतिनिधि की आर्थिक देनदारी क्या वह डिफाल्टर है क्या वह बैंक से लोन लिया और डिफाल्टर हो चुका है दिवालिया घोषित किया गया है तो यदि ये तीन सूचनाएं क्या मतदाता को दिया जा सकता है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ प्रश्न कैसे है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका सकारात्मक जवाब देते हुए निर्णित किया कि भारत के प्रत्येक मतदाता का संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक क के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मतदाता का अपने जनप्रतिनिधि के विषय में जानने का अधिकार उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि उसकी आर्थिक लेनदारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है अर्थात जब ये सूचनाएं अगर किसी भी मतदाता के पास होंगी तो वह मतदाता अपने जनप्रतिनिधि के पक्ष में अपनी अभिव्यक्ति निष्पक्षतापूर्वक कर पाएगा और लोकतंत्र को एक अच्छा एक सदाचारी और सचरित्र चरित्रवान जनप्रतिनिधि इलेक्ट करके बेस्ट कैंडिडेट इलेक्ट करके वह देगा जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होगा तो ये बातें सारी चीज़ें ये सारी बातें तो दर्शन की हो गई फिलोसफिकल हो गई कि लोकतंत्र को मजबूत होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी इसको मजबूत करने स्ट्रेंदन इन आर्डर टू स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी दिस राइट वाज गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र सुदृढ़ होगा मजबूत होगा यह तो उसका एक पहलू एक पक्ष है ही है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें इस केस में डिसाइड किया गया वह ये डिसाइड किया गया कि एवरी वोटर हैज़ राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज़ रिप्रेजेंटेटिव अपने जनप्रतिनिधि के विषय में प्रत्येक मतदाता का यह जानने का अधिकार है कि वेदर हिज रिप्रेजेंटेटिव हु इज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन इज़ ग्रेजुएट इज अ क्रिमिनल या वह स्नातक है पर परस्नातक है पढ़ा लिखा है या इलिटरेट है या वह आपराधिक पृष्ठभूमि उसका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है तो ये तीन सूचनाएं आपने देखा होगा कि यह निर्वाचन आयोग और एक गैर सरकारी संस्था के बीच की लड़ाई जो हमने बताया ए एफ उसकी लड़ाई भारतीय उच्चतम न्यायालय के समझ कैसे आई और उच्चतम न्यायालय ने इसको कैसे सकारात्मक रूप से यह इस मामले में मतदाताओं के अधिकार को रिकॉग्नाइज किया कि मतदाता को अधिकार होगा और मतदाता अगर हमारे अच्छे कैंडिडेट इलेक्ट करेंगे तो लोकतंत्र अपने आप ही मजबूत होगा इसलिए उसी समय से वर्ष 2003 के पश्चात से आपने देखा होगा कि चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो लोकसभा से लेकर के ग्राम प्रधान तक के चुनाव में न केवल लोकसभा प्रत्याशी को बल्कि ग्राम सभा प्रत्याशी को भी निर्वाचन प्राधिकारी के समझ हलफनामा में जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं शपथ पत्र बोलते हैं उस शपथ पत्र में तीन घोषणाएं करनी होती हैं कि वह व्यक्ति जो ग्राम प्रधान का चुनाव निर्वाचन होते निर्वाचन चुनाव लड़ने जा रहा है वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है या वह व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है वह उसकी वह आपराधिक पृष्ठभूमि का है नहीं है यह एफिडेविट में शपथ पर उसको देना है साक्ष्य देना है वह ग्रेजुएट है इस बात का साक्ष्य देना है वह डिफ़ाल्टर नहीं है दिवालिया नहीं है आर्थिक लेनदारी उसके पास इतनी एसेट्स है तभी हमें जान पाए हैं आपने देखा होगा इसी निर्णय के पश्चात हम मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि फला प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है वह मिलेरियन बिलेनियन है, है करोड़पति है उसके पास अरबों की संपत्ति है इसके पहले 2003 के पहले प्रायः भारत का नागरिक कम लोगों के पास 10 परसेंट चंद लोगों के पास ये सूचनाएं हुआ करती थी आज इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि ये निर्णय जो एन के द्वारा जो ए एफ ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है एन का योगदान भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में जब बात आती है तो हम इसी एन का नाम लेते हैं ए का नाम लेते हैं यह न केवल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया बल्कि चुनाव आयोग को भी विवश किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि चूंकि ए का जो ए की जो याचिका है यह संस्था जो लड़ाई लड़ रही है भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह जायज़ है इसमें तीन बातें किसी भी प्रत्याशी को डिस्क्लोज करना बाध्यकर है आपने देखा होगा कि यदि इसी निर्णय के पश्चात निर्वाचन आयोग के द्वारा अब यह अधिसूचना के माध्यम से यह कह दिया गया कि प्रत्येक स्थानीय निर्वाचन में मतलब ग्राम प्रधान या जो नगर पंचायत का चुनाव है विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को तीन सूचनाएं शपथ पत्र के माध्यम से देनी होंगी कई राज्यों में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई मात्र इस आधार पर कि उन्होंने जो उम्र का प्रमाण पत्र लगाया था एज सर्टिफिकेट लगाया था वो गलत लगाया था तो जब एज सर्टिफिकेट गलत लगाएंगे मिथ्या साक्ष्य देंगे प्राधिकारी निर्वाचन प्राधिकारी के समक्ष तो ये एक प्रकार का अपराध है भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत कि किसी लोक प्राधिकारी को मिथ्या साक्ष्य देना अपराध माना जाता है मैंने आपको ये बताया कि निर्वाचन आयोग क्या क्या प्रमुख कार्य है और मतदाता भी निर्वाचन आयोग को कोई कार्य करने के लिए विवश कर सकता है निर्वाचन आयोग के लिए भी अब निर्वाचन के दौरान एक काला में बना दिया गया एक उस आवेदन पत्र में जिसमें कि ये सूचना तीनों सूच तीनों प्रकार की सूचना जो मैंने अभी आपको बताया वह प्रत्याशी को देना होता है और इस प्रयास से भारतीय लोकतंत्र में सूचता आई है निर्वाचन आयोग में या इलेक्ट्रोल रिफार में चुनाव सुधार की दिशा में यह निर्णय निश्चित रूप से सरानी है जो एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा शुरुआत की गई थी दूसरा आप देखें स्लाइड पर मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो राइट टू वोट है मतदान का अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार है या मूल अधिकार है, है इसको लेकर के आप इसमें स्क्रीन पर देखें राइट टू वोट तो मैंने इसमें दो के एक केस लिखा हुआ अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेज भारत संघ ए आई सुप्रीम कोर्ट अब इस केस को अगर आप देखें तो अनुकूल चंद्र प्रधान 97 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मतदान का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट नहीं है कारण उसका क्या है कि मतदान के अधिकार को हम केवल संवैधानिक अधिकार लिखे हुए हैं इसमें आप देखें संविधान के आर्टिकल 326 में मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है ये जब बात थी संविधान में तो केस करने का कोई बहुत अर्थ नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि जो राइट टू वोट है या राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है संविधान के भाग तीन में प्रदत्त अधिकार नहीं है और यह संवैधानिक अधिकार है संविधान के आर्टिकल 326 द्वारा प्रदत्त अधिकार है आर्टिकल 326 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है बिना किसी जाति धर्म वंशक्रम के आधार पर विभेद किए हुए वह निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है अर्थात वह मतदान कर सकता है तो वयस्क मताधिकार जो है यह संवैधानिक अधिकार है यह आर्टिकल 326 में ही लिखा हुआ है और अनुकूल चंद प्रधान की केस में 97 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राइट टू वोट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है ये मात्र संवैधानिक अधिकार है स्टैचूट्री राइट है संवैधानिक अधिकार और संविधिक अधिकार दोनों है संविधिक अधिकार स्टैचुट्री राइट इसलिए है कि यह जन प्रतिनिधित्व जो पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम वह संसद के द्वारा बनाया गया स्टैचूट है इसलिए वह स्टैचुट्री राइट भी है और संविधान के आर्टिकल थ्री में है इसलिए यह संवैधानिक अधिकार भी है तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कभी कभी छात्र इसको दो में देखता हूँ कि कन्फ्यूजन होता उनको है उनको कन्फ्यूज होते हैं उनको लगता है कि नहीं केवल संविधान अधिकार है स्टैचुट्री राइट नहीं है दोनों जो मोस्ट अप्रिएट आंसर अप्रोप्रिएट आंसर है या दोनों है इसका राइट है और अब इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग की स्थापना को लेकर के निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होंगे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों को कब हटाया जा सकता है निर्वाचन आयोग कितने वर्ष के लिए गठित होते हैं मैंने साथ ही साथ राइट टू वोट मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है मौलिक अधिकार है या नहीं किस प्रकार का अधिकार है केस उससे संबंधित आपको बताया दूसरा जो महत्वपूर्ण आयोग है कमीशन है संविधान के अंतर्गत वह संघ लोक सेवायोग है स्क्रीन पर आप देखें हम इसको संक्षेप में अगर लिखने का प्रयास करें तो इसको यू बोल सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोल सकते हैं यू के गठन होने की बात जो है संविधान के आर्टिकल थ्री फिफ्टीन पर स्क्रीन पर आप देखें मैंने तीन ची कैटेगरी में इसको लिखा हुआ है कि तीन प्रकार के आयोग हैं पहला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यू सेकंड सेकेंड पर मैंने लिखा हुआ है जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जब दो या दो से अधिक राज्य की विधानसभाएं संसद को यह प्रस्ताव पारित करें कि आ, अपना एक प्रस्ताव पारित कर संसद से रिक्वेस्ट करें कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त तो लोक सेवा आयोग की स्थापना ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जा सकती है तीसरा जो मैंने इसमें लिखा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे ये मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करता हूँ आप ये देखें मैंने इसमें लिखा हुआ है डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल थ्री टेन के अंतर्गत यह भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में भी मेंस के भी लिखित परीक्षाओं में भी कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत क्या है जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्यपाल गवर्नर लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा पांच वर्ष छः वर्ष तो लिखा बाद में उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण द डिजायर तो ऑफ उसको डिजायर ना बोल करके शुद्ध जो उसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वह है प्लेजर डॉक्टरी नाफ प्लेजर बोलते हैं प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत यह ब्यूरोक्रेट के लिए भी नौकर शाह के लिए भी लागू होता है संविधान के आर्टिकल थ्री के अंतर्गत वे व्यक्ति जो यू का सदस्य है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है जैसा कि आपको मालूम है कि यू के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति यू राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तो ऐसे सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं दूसरा है मैंने इसको स्लाइड देखिए स्क्रीन पर लिखा है लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण संविधान के आर्टिकल 311 के अंतर्गत प्रदान यह संवैधानिक संरक्षण इसलिए 311 के अंतर्गत प्रदान किया गया है कि वे जो नौकर शाह हैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वे अपने दायित्वों का सम्यक पूर्वक निष्पक्षतापूर्वक निर्भुकता निर्भीकतापूर्वक कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवकों को भी संवैधानिक संरक्षण संविधान के आर्टिकल तीन सौ के अंतर्गत दिया गया है दो प्रकार के विशेष प्रोटेक्शन संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं संविधान के आर्टिकल तीन के अंतर्गत पहला दिया हुआ है देखिए कि नियुक्तिकर्ता से निम्न रैंक का पदाधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकेगा ये फर्स्ट है और सेकंड है बिना सुनवाई का अधिक बिना सुनवाई का अधिकार प्रदान किए किसी सदस्य को पदच्युत नहीं किया जाएगा हम इसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बोलते हैं आर डी पार्टम की संज्ञा दी जाती है तो कहने का तात्पर्य है कि लोग जो सेवक हैं उनको भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत विशेष संशोधन दिया गया है वह विशेष संविधान के आर्टिकल 311 के अंतर्गत दिया गया है पहला कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे सबॉर्डिनेट उससे निम्न रैंक का जो कोई पदाधिकारी है वह किसी भी पब्लिक सर्वेंट को लोक सेवक को जो लोक सेवा आयोग के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं वह पदच्युत नहीं कर सकता है तो ये भी बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा अगर अपॉइंट किया जाता है तो राष्ट्रपति उसकी सर्विस को टर्मिनेट भी कर सकता है उससे नीचे की कोई पदाधिकारी टर्मिनेट नहीं कर सकता है दूसरा एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है आर अल्ट्रम पार्टम कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उसको दंडित नहीं किया जा सकता है हम इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बोलते हैं रूल ऑफ हियरिंग बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग बोलते हैं इत्यादि नाम ये डिफरेंट नाम निकलेचर्स आर यूज फॉर दिस ऑडियल ट्रमपार्टम के जो विभिन्न नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत हैं आडियल ट्रमपार्टम पार्टी मस्ट बी हर्ड इसका शाब्दिक अर्थ है पार्टी मस्ट बी हर्ड पक्षकार को सुना जाए और रूल ऑफ फेयर हियरिंग उचित सुनवाई का सिद्धांत रूल ऑफ़ हियरिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इत्यादि नामों से यह जाना जाता है केवल मतलब एक है कि नो वन शुड बी कंडेम्ब विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बिना उसे अवसर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है हम इसको लीगल जो फ्रेजोलॉजी में लीगल टर्म्स बोलते हैं कि ए टर्म पार्टम है रूल ऑफ फेयर हियरिंग है कोई भी सुनवाई उचित सुनवाई तब तक नहीं की जाए जाये, कही जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को उस उस व्यक्ति को जिसके जिसके विरुद्ध ये निर्णय लेने जा रही है उसको सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो तो किसी भी लोक सेवक को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए दंडित नहीं किया जा सकता है इस प्रकार का प्रोटेक्शन संविधान के आर्टिकल 311 ग्यारह के अंतर्गत दिया हुआ है अब इसके पश्चात देखते हैं कि सरकारी सेवकों को क्या लिबर्टी प्राप्त है अब आप ये देखिए मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है सरकारी सरकारी सेवकों को हड़ताल का अधिकार नहीं है ये केस था तमिलनाडु राज्य में टीके रंगराजन वर्ष स्टेट ऑफ तमिलनाडु ईआईआर आई आर टू थाउजेंड थ्री सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल नाइनटीन वन ए आर्टिकल उन्नीस एक का जो अभिव्यक्त जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है आर्टिकल नाइनटीन वन संक्षेप में इस केस के तथ्य को फैक्ट को नरेट करते हैं देन आफ्टर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या व्यू है तमिलनाडु राज्य में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है व्यापक पैमाने पर वहाँ के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए निश्चित काल हड़ताल पर चले गए तो राज्य सर संबंधित तमिलनाडु राज्य की सरकार ने लगभग चार लाख सरकारी कर्मचारियों को वहाँ पे बर्खास्त कर दिया और उनको सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया चूँकि सरकारी कर्मचारियों का तर्क यह था कि उनकी जो धरना प्रदर्शन का अधिकार है हड़ताल भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है अपनी बातों को रखने का अपनी बातों को सरकार से मनवाने का या सरकार के समक्ष अपनी लोकतांत्रिक मांग को रखने का एक तरीका हड़ताल पर जाना भी है काम न करना भी है तो सुप तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू स्ट्राइक हड़ताल करना है ये हड़ताल पर जाना स्ट्राइक करना ये फंडामेंटल राइट नहीं है कहीं से भी इसको आर्टिकल उन्नीस एक क के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग नहीं माना जा सकता और स्ट्राइक पर जाना बंद का आयोजन करना बंद भी असंवैधानिक है बंद का आह्वान करना या स्ट्राइक पर जाना इससे न केवल राज्य के इस इससे न केवल राज्य में सामान्य नागरिकों को असुविधा होती है बल्कि उस संबंधित राज्य और राष्ट्र का आर्थिक नुकसान भी होता है आर्थिक रूप से उस एक दिन या दो दिन के बंद के आह्वान के दौरान हड़ताल के दौरान उस राज्य में आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं लोगों का आवागमन प्रभावित हो जाता है लोगों को भयभीत करके उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद कराने का प्रयास किया जाता है इन सभी गतिविधियों को कभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है अतः टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है और ये आर्टिकल उन्नीस एक का, का भाग नहीं है तो इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ पर सरकारी सेवकों को एक तरफ उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है वे अपने दायित्वों का निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें उनको प्रोटेक्शन दिया गया है उनको एक ढाल सील्ड तैयार की गई है दूसरी तरफ वे अपने विवेक का मनमानी विवेक का मनमाना न कर पाएँ अपने पावर का दुरुपयोग न कर पाएँ इसको सुनिश्चित करने के लिए दूसरी तरफ राज्य को भी पावर दिया गया है कि राज्य उनके मनमानी शक्तियों को मनमानी कृत पर अंकुश लगा सके और वह अंकुश लगा अंकुश लगाया जाना उच्चतम न्यायालय ने भी जायज़ ठहराया संवैधानिक ठहराया है तो इन केस के माध्यम से हमने ये देखा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग जैसी बाडी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जैसा कि मैंने आपको बताया संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी राज्य लोक सेवा अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है इस संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य है वह अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए समय समय पर उनकी परीक्षाएं संपादित करना और राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य है राज्य स्तर पर राज्य सिविल सर्विसेज को राज्य सिविल सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति करने संबंधी उनके वेतन संबंधी उनके सस्पेंशन संबंधी नियमावली को तैयार करना और उनको क्रियान्वित करना लागू करवाना यह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को देखा जा सकता है उन्हें किस आधार पर पदोचित किया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पदोचित किया जा सकता है किसी भी अक्षमता के आधार पर इनकम्पिटेंसी के आधार पर मिसकंडक्ट के आधार पर दुराचरण के आधार पर अर्थात उन्हें इन दो आधारों पर उनकी सेवाओं से उन्हें पद से हटाया जा सकता है तो ये हटाने की प्रक्रिया हो गई उनके कार्यकाल को मैंने बताया कितने कार्यकाल तक वे पद पर बने रह सकते हैं पदासीन बने रह सकते हैं और अब इसमें एक जो आयोग है कमीशन है आप इसको इस स्क्रीन पर देखें मैंने पहले ही बताया था कि भाषा आयोग है ऑफिशियल जो लैंग्वेज कमीशन तो ये संविधान की आर्टिकल 343 इसमें इस स्क्रीन पर आप देखें भाषा आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी और भारतीय संविधान की आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो आ, नेशनल कमीशन फॉर लैंग्वेज है राष्ट्रीय भाषा राजभाषा आयोग है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है उसका प्रमुख कार्य क्या है ये संविधान की आर्टिकल 343 के अंतर्गत जब हम भाषा आयोग की बात करते हैं राजभाषा आयोग की बात करते हैं तो इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर के 350, 350 तक दिया गया है तक दिया गया है कि जिसमें भाषा से संबंधित कौन सी राष्ट्रभाषा होगी किस भाषा को हम राजभाषा के रूप में रखेंगे राष्ट्रभाषा रखेंगे अब प्रायः एक जो कन्फ्यूजन यहाँ पर उत्पन्न होता है वह यह है कि भाषा को लेकर के कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या डिफरेंस है कभी कभी ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षार्थी जो है इस बात को लेकर के बहुत ही डाउट में रहते हैं संदेह में रहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है आपको ये मैं बता दूं कि राजभाषा जो है वह हिंदी है और जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी सहित वे सभी भाषाएं हैं जो संविधान की विशेषकर आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई हैं तो ये सामान्यतः राजभाषा हिंदी होगी ये कहाँ लिखा हुआ है ये संविधान के आर्टिकल 343 में ही लिखा हुआ है कि हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें आर्टिकल 343 343 में लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी तो इसमें कोई डाउट नहीं है राष्ट्रभाषा कौन होगी स्वाभाविक है पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली जो भी भाषाएं हैं राष्ट्रभाषा होंगी लेकिन संविधान की जो आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाएँ हैं है। उन बाईस भाषाओं को हम राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं जिस जो भी भिन्न भिन्न राज्यों में तेलुगु है मराठी है मलयालम है ये हमारी सभी राष्ट्रभाषा हैं तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा का डिफरेंस हो गया अब ये आयोग की स्थापना क्यों महसूस की गई कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों इस्टैब्लिश किया जाए भाषा आयोग की स्थापना क्यों आवश्यकता पड़ी आप ये देखें भारतीय संविधान की आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा और भारत में बोली जाने वाली विशेषकर संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनके प्रोत्साहन के लिए उनके प्रचार प्रसार के लिए भारत का राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है और राजभाषा आयोग का प्रमुख कार्य हिंदी भाषा हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाएं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में हैं उनको समृद्ध उनको करना उनको प्रचार प्रसार करने का दायित्व तो भी राजभाषा पर किया गया है स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं राज्य की जो किसी पर्टिकुलर राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं को कैसे प्रमोट किया जाए इसको भी लेकर के कमीशन राज्य सरकारों को यह पावर दिया गया है कि स्टेट ऑफिस जो स्टेट कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए कि राज्य स्तर पर उस राजभाषा आयोग की भी स्थापना की जा सकती है और इसमें मैंने आपको बताया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत का प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे उनको भी ये दायित्व तो दिया गया कि हिंदी राजभाषा होगी और पंद्रह वर्ष के पश्चात जो अंग्रेजी है धीरे धीरे इसको अंग्रेजी को हटाया जाएगा स्वयं संविधान के आर्टिकल तीन में प्रावधान किया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी राज्य कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा जो होगी वह हिंदी होगी और हिंदी के साथ साथ उन राज्यों की भाषाएं भी यूज की जा सकती हैं राज्य स्तर पर पत्राचार में सरकारी पत्राचार में राजकार्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा हिंदी के साथ साथ उस स्टेट लैंग्वेज भी हो सकती है राज्य की भाषा भी हो सकती है जैसे उदाहरण के तौर पर यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हिंदी भी है और हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा उर्दू को भी यहाँ पे मान्यता प्रदान कर दी गई वैसे ही महाराष्ट्र की अगर हम बोल बोलें कि महाराष्ट्र की जो राजभाषा क्या होगी वहाँ पे मराठी है मराठी वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है वैसे ही केरल की क्या भाषा होगी मलयालम होगी कर्नाटक की है कन्नड़ है ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर जो पत्राचार राजकीय कार्यों हेतु जो पत्राचार की भाषाएँ होंगी वे स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज और राज्य स्तर की भाषा को राज्य अडॉप्ट कर सकता है तो ये बाध्यता अध्रूपित भी नहीं किया जा सकता कि जहाँ पर हिंदी की समझ नहीं है हम कर्नाटक में हिंदी को बोलें कि हिंदी प्रमोट किया जाए तो राज्य भी अपने सुविधा अनुसार अपने राज्य में बोली जाने वाली जनसंख्या के बहु बहुत बहुसंख्यक भाग के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसको मान्यता प्रदान कर सकता है तो कन्नड़ हो गया कर्नाटक का और मलयालम हो गया तेलुगु हो गया तमिलनाडु ऐसे आंध्र प्रदेश का अब इसके अलावा इसके अतिरिक्त राजभाषा आयोग हो गया केंद्रीय राजभाषा आयोग हो गया राज्य स्टेट लेवल पर ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया मैंने आपको बताया कि हिंदी के साथ साथ प्रांतीय स्तर की भाषाएं भी इसमें जोड़ सकती हैं अब इस राजभाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे या नहीं और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाएगा और जो राज्य स्तर के जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है तो राज्य भाषा आयोग का जो प्रमुख कार्य है वह राज्य कार्य में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाना अब ये भाषाएं मैंने आपको बताया कि राजभाषा आयोग की भी भूमिका हो गई निर्वाचन आयोग संघ लोक सेवा आयोग स्क्रीन पर आप देखें मैंने जो तीन प्रमुख आयोग हैं संविधान के अंतर्गत मैंने निर्वाचन आयोग पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि निर्वाचन आयोग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या है राज्य निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है इसको मैंने बताया कब यह किस वर्ष में बहुसदस्यीय आयोग बन गया राइट टू वोट मतदान का अधिकार है या नहीं है मतदाता का अधिकार क्या है या चुनाव लड़ने का अधिकार फंडामेंटल राइट है या नहीं है मैंने जावेद बनाम हरियाणा राज्य को को बताने का प्रयास किया मैंने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एफ डी आर की केस को बताने का प्रयास किया मतदान राइट टू वोट मैंने बताने का प्रयास किया और इसके पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के विषय में भी सारी जानकारी देने का प्रयास किया कि संघ लोक सेवा आयोग के भी जो सदस्य हैं वे अपने वे भी अपने आ, पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर पर्यंत धारण कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि तीन प्रकार के जो आयोग हैं निर्वाचन आयोग है भाषा आयोग है संघ लोक सेवा आयोग है तीनों आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं तीन संविधान इन तीनों संवैधानिक आयोगों के प्रमुख कार्य क्या हैं इसके अतिरिक्त भी संविधान के अंतर्गत जो कमीशन जहाँ पर भी लिखा हुआ है वित्त आयोग है जैसे राजभाषा जैसे निर्वाचन आयोग वैसे फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है संविधान के आर्टिकल 280 में प्रावधान है 280 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जा अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग है नेशनल कमीशन फॉर एशियन ने, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक समिधिक अधिकार है तो संवैधानिक आयोग और संविधि का आयोग दोनों में अंतर चूँकि अभी समय नहीं समय अभाव के कारण तो संविधान के अंतर्गत जिन आयोगों की स्थापना की गई है उसमें जो प्रमुख रूप से निर्वाचन आयोग संघ लोक सेवा आयोग और राजभाषा आयोग है उसको मैंने बताने का प्रयास किया इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि वह वित्त आयोग है संविधान के आर्टिकल टू एटी के अंतर्गत वित्त आयोग के अंतर्गत वित्त आयोग उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो ये इसके अतिरिक्त जो आयोग हैं उनका भी कार्य संविधान के अंतर्गत स्वयं संविधान में उनके शक्तियों और दायित्वों का प्रावधान किया गया है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने की बात की गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी मैंने ये तीन आयोग बताए हैं तीनों आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं उसको बताने का प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे प्रारंभिक परीक्षा में विशेष करके और मेंस में मुख्य परीक्षा में तो प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में इन तीन आयोगों से इन तीनों आयोगों से एक दो प्रश्न अवश्य अवश्य होते हैं तो इनमें इतनी सूचनाएँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको है आपके पास तो आप निश्चित रूप से यह प्रश्न कर पाएंगे और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के इसमें केसेस हैं वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया सारी सूचनाएं इन तीनों आयोगों से संबंधित मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि यह पूरे आयोग के विषय में पूरी सूचना आप भली भांत समझ पाए होंगे इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूं थैंक यू धन्यवाद